हरसूद में झंडे बैनर लगाने को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुआ, तो उसके बाद आज खंडवा के एसपी ऑफिस पर पहुंचे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसी मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। कागज खोल लो ना। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आज एसपी ऑफिस आए थे क्या मामा? देखिए, विगत कुछ दिनों पहले हरसूद में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी आए थे, तो वहाँ पर उनके स्वागत के लिए युवा कांग्रेस द्वारा तैयारी की गई थी। झंडे बैनर पोस्टर लगाए गए थे, क्योंकि विदिशा जो मंत्री है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के, उनके कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे वहाँ के जो युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके ऊपर और कार्यकर्ताओं के ऊपर एक ऐसा केस बनवाया झूठा कि इन्होंने हमारे झंडे बैनर फाड़े और एट्रोसिटी एक्ट लगवाया, जो कि उन्होंने ये कहा कि हमारे पुत्र के ऊपर गाली सूचक शब्द कहे। हम एसपी साहब से यही निवेदन करने आए थे कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, ना कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी का शासन है तो उसके दबाव में काम ना करें। 4 महीने बाद हमारी भी सरकार आने वाली है, अगर इसी प्रकार का बिना निष्पक्ष जाँच के काम करते रहेंगे तो 4 महीने बाद हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। और अभी भी हम यही बताने आए हैं कि हम महात्मा गांधी जी के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद की भी विचारधारा के लोग हैं। अगर महात्मा गांधी जी की विचारधारा से निवेदन करने आए हैं तो चंद्रशेखर के आज़ाद जी की विचारधारा से भी हम हमारा उग्र आंदोलन करना जानते हैं। बस ये आखिरी निवेदन था हाथ जोड़कर एक पत्र के माध्यम से कि निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि हमारे कार्यकर्ता जो कि निर्दोष है उनको वहां से इस झूठी धाराओं से राहत मिल सके। प्रियेश चोकड़े, जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस।